प्रॉब्लम देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपका द फर्स्ट सम ऑफ एन एबी इज 5 इन द लास्ट टर्म इज आपका 45 इन द सम ऑफ nth टर्म इज आपका 400 फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स आपका एंड कॉमन डिफरेंस। तो देखो सॉल्यूशन में मैंने इसका सॉल्यूशन यहां लिख दिया था ना कि लेट स्मॉल ए इज द फर्स्ट सम ऑफ एन एबी एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। अब यहां पे देखो अपना दूसरे में आपका गिवन में आपका लिखिए अपना देखो जैसे फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू आपने 5 दिया है लास्ट टर्म आप ए एन लिखो या एल लिखो एक ही बात है ये इज इक्वल टू अपना 45 दिया है एंड सम ऑफ एन तक एस एन इज इक्वल टू आपका 400 दिया है गिवन में तीनों चीज लिख दिया और उसके बाद आपका ना देखो जैसे ए टू फाइंड आउट में आपका एक तो आपको लिखना है नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन आपको फाइंड आउट करना है एंड द अनदर थिंग इज आपका नाउ देखो जैसा ये कॉमन डिफरेंस आपको डी आपको ना पिक करना है। तो ना फोर्थ में अब आपका देखो नाउ जैसा ये रिक्वायर्ड फॉर्मूला यूज यहाँ पे मैंने वही बोला कि whenever you are solving the question आपका नाम either of any one subject आपकी स्किल काम करती है स्किल में से एस निकाल करके किल मत करिए कि क्वेश्चन को सबसे बड़ी बात है रीड करने के बाद उसको अंडरस्टैंड करना है कि ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट व्हाट इज हैव टू हैज टू बी फाइंड आउट अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू यूज द फॉर्मूला। अब आप इसका मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया इसका मतलब आपका फाइनाइट एपी हो ये तो आपको क्लियर तो ना इसके अंदर सम ऑफ एन द टर्म एस एन इज इक्वल एन बाई टू ए प्लस ए एन या एल आप लिख रहे हैं एस एन का मतलब 400 एन बाई टू ये हो गया सर ए इज व्हाट सर 5 और ये आपका कितना हो गया सर 45 हो गया तो ना 400 एन बाई टू और एन टू आपने 50 हो गया यहीं से इसको उड़ा दीजिएगा 25 तो ना 400 इज इक्वल टू 25 एन देन यू हैव टू फाइंड आउट एन एन इज इक्वल टू 400 अपॉन 25 ये आपका देखो ना 16 सॉरी बाय क्रॉस में इनटू दिस सॉरी तो ना 25 8 जा 200 8 जा तो 200 का जस्ट डबल है 400 तो 16 टाइम दैट इज एन इज इक्वल टू आपका देखो नंबर ऑफ टर्म्स ये इस बड़ा आपका कितना हो गया 16 सर ये तो आपका आ गया है नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस आपका देखो अगेन फिर आपका अगेन अप्लाई नाउ फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू a plus n minus 1 into d a n is what 45 इसे कोड आपका कितना है 5 plus n कितना है सर 60 minus 1 into d तो देखो तो 45 minus 5 और equal आपका देखो ना सर ये आपका कितना हो गया सर 15 तो दिस इज द 40 इसे कोड आपका 15 चेक कर लो सर कहीं गड़बड़ तो नहीं आ रहा ओके सो नाउ द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू अपॉन 40 अपॉन आपका 15 ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होगा 40 है सर बराबर तो नहीं तो किसी नंबर से कटता है 5 8 3 ये आपका कॉमन डिफरेंस है। तो कई बच्चे यहाँ पे आंसर करके अपना छोड़ देते हैं आपने क्या करना है यहाँ पे लास्ट में अपना नंबर ऑफ टर्म्स एन इज इक्वल टू आपका 16 टर्म आपका लिख दीजिएगा और दूसरा आपका नाम देखो जैसा द कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू आपका 8 बाय 3 आप दिस इज योर आंसर व्हाट इज सर डू इट